आज के एपिसोड में मैं अपने दोस्त शंकर के साथ उसकी बाइक पर उड़ा चला जा रहा हूं करेरी विलेज की तरफ। सुबह सुबह 5 बजे का वक्त है, हल्की हल्की बारिश का सा मौसम है, आसमान में काले बादलों का जमावड़ा है और उनके गरजने की आवाजें भी हैं। ये हमारा चंडीगढ़ से वीकेंड ट्रिप है जिसे हमने कल यानी फ्राइडे नाइट करीब करीब 11:30 बजे शुरू किया था और 214 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचे हैं हम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। आज सैटरडे को हम लेक तक ट्रैक करेंगे, रात में करेंगे लेक साइड कैंपिंग और संडे मॉर्निंग सनराइज देखने के बाद वापसी करेंगे चंडीगढ़ के लिए ताकि मंडे मॉर्निंग फिर से ऑफिस ज्वाइन कर सकें। पाँच से छः घंटे का लंबा सफ़र करके धर्मशाला से होते हुए हम पहुंचने लगे हैं करेरी विलेज, जो कि यहां से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। बादलों से घिरे पहाड़, हरे भरे पेड़ों से भरे रास्ते, छोटे छोटे गांव से होते हुए हम अब करेरी विलेज पहुंच चुके हैं। करेरी विलेज खुद में बहुत खूबसूरत और शांत सा गाँव है जिसकी आबादी बस कुछ ही हजार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पहुंचा हूं करेरी विलेज और यह है करेरी विलेज का पहला नज़ारा। आगे का ट्रिप, आगे का ट्रैक क्या है, रूट कैसा है, यह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए करेरी विलेज कैसा है, नीचे दिखने वाला एक खूबसूरत सा गांव करेरी विलेज और इसी गांव से होते हुए इस कच्चे रास्ते से आप पहुंचेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करेरी लेक ट्रैक जिसे कहा जाता है नॉले ब्रिज। तो चलिए चलते हैं। ये हैं खूबसूरत नज़ारे करेरी लेक ट्रैक फ्रॉम करेरी विलेज टू नॉले ब्रिज। यह है पहला नज़ारा नॉले ब्रिज का, करीब 3 किलोमीटर दूर है करेरी लेक से और अब हम पहुंचने वाले हैं नॉले ब्रिज। कहा जाता है कि यह सबसे बढ़िया रास्ता है अगर आप करेरी लेक का ट्रैक कर रहे हो। जब भी आप आए तो नॉले ब्रिज से ही ट्रैक स्टार्ट करिएगा। जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां से है एक्चुअल में रास्ता। तो ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ नॉले खड्ड है और इसी नॉले खड्ड के ऊपर जो ब्रिज बना है उसे कहा जाता है नॉले ब्रिज। यहाँ पर आपको शॉप्स मिल जाएंगी, आप अगर आ रहे हैं तो चाय, मोमोज और सामने अमृतसरी नान का एक स्टॉल भी लगा हुआ दिखेगा। ये है हमारे को ट्रैकर इस ट्रिप पर। अब मैं कैमरा को एडजस्ट करते हुए, अरे जस्ट आगे नीचे से पानी भर गया, हां पानी खाली पड़ा है, मैं भी भर लेता हूँ, मेरी बोतल भी खाली पड़ी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बारिश का मौसम हो चला है, बादल ऊपर है और किसी भी वक्त बरसना शुरू कर देंगे। मैं आपको दिखाऊं कि जब आप इस जगह पर हो तो ट्रैक कहां से आपको स्टार्ट करना है। आप इस तरफ देखिएगा, ये जो शॉप आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रही है इसी शॉप से ये रास्ता जा रहा है। देखिए ये ट्रैक है, यहां से स्टार्ट होता है, इन सीढ़ियों से होते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये पूरा पहाड़ आप क्रॉस करेंगे, पीछे वाले पहाड़ की तरफ जाएंगे। तो ये है वो ट्रैक जो लेकर जाएगा आपको करेरी लेक की तरफ। मुझे लगता है कि थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, अगर बादल इतने गरज रहे हैं तो बरसेंगे ज़रूर। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लो, पानी की कुछ बूंदें तो मेरे ऊपर गिर भी चुकी हैं। थोड़ा इंतज़ार करके ही निकलूँगा ऐसा लगता है मुझे। मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ और रुकने का फैसला भी। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई और हम इन्हीं शॉप में बैठ कर गर्म चाय की चुस्की लेते हुए करने लगे इंतज़ार बारिश के रुकने का। बारिश रुक चुकी है और हम अब स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैक। ये है वो रास्ता जो लेकर जाएगा करेरी लेक की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ओके सो आज का जो करेरी लेक का ट्रैक है वो हम कर रहे हैं एलेक्स के साथ। इनका नाम एलेक्स भी है, काका भी है, तो दो दो नाम है, आप जिस नाम से चाहे बुला लीजिए। एलेक्स मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि टोटल ट्रैक का जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग फ्रॉम करेरी विलेज यहाँ तक कितना है? एक्चुअली आपका करेरी से 3 किलोमीटर पुल तक गाड़ी आती है नौली ब्रिज तक जी। उसके बाद नौली से आपका करेरी लेक 10 किलोमीटर है, तो टोटल मतलब आपका 13 किलोमीटर हो गया। ओके और जो ट्रैक है वो मतलब मीडियम है, ना ही तो ज़्यादा मतलब हार्ड है और ना ही ज़्यादा मतलब इजी है। अगर 1 से 10 के स्केल पर आपको करना हो इसको रैंक तो कितना दो? तो 50-50 है, मतलब 5 या 6 के लेवल पे है जी। लीजिए, सुनने में आ रहा है कि आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और इनका कहना है कि जो नौली ब्रिज है जो आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था, गाड़ी वहाँ तक आती हैं, रोड की हालत ख़राब है, तो अपनी गाड़ी लेकर के आने की मत सोचिएगा। और टैक्सी लेके तो आप आ सकते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस है, एक्सपर्ट है वो इस चीज़ के। ठीक है, तो चलिए आगे का ट्रैक शुरू करते हैं, मिलेंगे थोड़ी देर के बाद जल्दी ही। पहली दुकान इस रूट की बिल्कुल मेरे सामने है। करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद आप छोटी सी शॉप तक पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ पर जा रही है, अक्सर लोग वीडियो को फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं और यही वो गलती है जो लोग करते हैं। तो आपको इस जगह पर आकर जिस तरफ ये शॉप है इसकी तरफ जाना है और इस खड़ को क्रॉस करना है। चलिए देखते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप? थोड़ा तो आपने हमें कहा। रास्ता यही है जो आगे जा रहा है, यहाँ से क्रॉस करना है। और यहाँ पे अपडेट कर दो कि झील कैफे है जो उसके साथ में नीचे को रास्ता जाता है। अच्छा, सीढ़ियां नहीं चढ़ना, वो घोड़े वालों का रास्ता है। मैंने वही बताया कि उस अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि सीढ़ियां चढ़ के उस तरफ निकल जाते हैं। तो ये झील कैफे है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, स्टोन के ऊपर झील कैफे लिखा हुआ था, तो ये वही झील कैफे है जहाँ हम लोग पहुंचे हैं। और इनका कहना है कि ये है रास्ता, इस तरफ से आपको निकल करके जाना है यहाँ। मैंने भी देखा है, मैंने कभी क्या उन पेड़ों के बीच में से जाएगा? हाँ, यहाँ से ऊपर के लिए बस इसके झरने के साथ साथ जाना। देखिए वो है झील कैफे और वहाँ से क्रॉस करके इस खड्ड को, ये वही रिवर है जिसका पानी करेरी लेक से यहाँ तक आता है, इसलिए इसे कहा जाता है करेरी नदी। स्टीप चढ़ाई अब है। अरे अब मत उतरने का पीछे बोला, अब मत भी हो पीछे उधर रह जाएगी। सो एलेक्स, ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये इसी वाले पहाड़ के इस तरफ हैं, इस तरफ, या ये जो पहाड़ सामने दिख रहा है इस तरफ है, किस तरफ हम जाने वाले हैं? एक्चुअली जैसे हम अभी चढ़ रहे हैं, वैसे तो हमने इस रिवर को फॉलो करना है। ओके और जैसे रिवर को एक बार हम यहाँ से ऊपर से क्रॉस करेंगे, फिर हमने राइट हैंड साइड को जाना है ऊपर, इसके पीछे मतलब। ओके तो हम उस पहाड़ी पे नहीं जाने वाले जो सामने, राइट हैंड साइड। ओके, ये जो नाला या रिवर बह रही है इसके राइट में ही रहना है हमको जी। पहले इसको रिवर को फॉलो करना है, फॉलो करना। ये जो रिवर है वो आपका आ रहा है करेरी लेक से। अच्छा, ये रिवर का पानी आता है करेरी लेक से? मतलब का कोई सीन नहीं है, मतलब रास्ता तो वैसे है ही। हाँ, अगर किसी को नहीं लगता, मतलब आप अगर इस नाले को फॉलो करते हुए चढ़ेंगे ओके तो हम ऊपर पहुंच सकते हैं आराम से। गुड डे जी, बहुत बढ़िया। तो एक हिंट मिल गया कि आपको इस नदी के राइट साइड पर ही रहना है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस। पर यहाँ तक के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, मुझे इस ट्रैक को करके वाकई मज़ा आ रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी ट्रैक को करके आता है। सीढ़ियां हैं अभी तक, पर एलेक्स का कहना है कि बीच में प्लेन और सीढ़ियां, एक तरह का मिक्स टेरेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। खूबसूरत है, पत्थर से बनी हुई बड़ी बड़ी सीढ़ियां और साथ में ये खूबसूरत पेड़, अमेजिंग है। और ये जो फ्रेश एयर है ना, बारिश के बाद जो सुगंध होती है हवा में, ये वैसी सुगंध है जो मैं अपने सांस के साथ अपने फेफड़ों तक महसूस कर पा रहा हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ेदार है। करेरी लेक अभी तक के हिसाब से फुली रिकमेंडेड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सफ़र का रोमांच अभी और बढ़ने वाला है क्योंकि आने वाली है ओलावृष्टि, वो भी तेज़ हवा के साथ, जो इस बात का सबूत है कि ऊपर लेक पर स्नोफॉल हो रहा है।
लेकिन यह सब होगा अगले एपिसोड। सीरीज अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम थोड़ा ही आगे निकले थे और किस तरह से ओले यानी बर्फ के गोले गिरने यहाँ शुरू हो चुके हैं। साइज थोड़ा छोटा है अभी, लेकिन कहना है कि अगर करेरी में नीचे अगर बारिश होती है तो कहा जाता है कि वो करेरी लेक पे स्नोफॉल होता है, और ये शायद उसी बात का इंडिकेशन है कि ऊपर स्नोफॉल हो रहा है। हम देखिए कहाँ छिप कर के बैठे हैं बचाव के लिए। ये है वो पत्थर जिसका शेल्टर हमने लिया है, थोड़ी सी ओट की तरह एक छोटा सा शेल्टर लिया है हमने इस पत्थर के नीचे, और ये कैमरा को पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला ओपन किया है ताकि कैमरा सेफ रहे। इस वक्त वाटरप्रूफ जो कंपार्टमेंट है जहाँ चार्जिंग होती है वो निकाला हुआ है क्योंकि माइक कनेक्ट किया था। और ये है हमारे गाइड, आ जाओ जगह है। हाँ शुक्र है ज़्यादा नहीं पड़ रहा। हाँ ऐसा ही लग रहा है। ऊपर तेज होगा। हाँ लीजिए, मुझे काफी टाइम बाद स्नो देखने को मिलेगी। कंफर्म हो गया लगता है। हमारे गाइड का कहना है कि अगर यहाँ इस तरह से ओले गिर रहे हैं तो ऊपर तो पक्का बर्फ गिर रही होगी। 100% है। ये किसका घर है? पेड़ खोखला है। सांप निकला तो अभी यहाँ से सीधे छलांग मारोगे नीचे? मैं नहीं मारूंगा, सांप छलांग मारेगा मुझसे।